हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। तो आज हम हिस्ट्री का पार्ट टू टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन रहेंगे जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारे ऑप्शन रहेंगे कबीरराज, चंद्रदाई, विक्रम देव या फिर कपिलमुनि। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रदाई। जो पृथ्वीराज रासो रचना है वो चंद्रदाई के द्वारा लिखी गई है। और अगर बात करें कि किसके दरबार में यह प्रसिद्ध कवि थे, तो यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा राजा वीणा के लिए प्रसिद्ध था। हमारे ऑप्शन रहेंगे कुमारगुप्त, अशोक, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है और यह संगीत प्रेमी था। इसने सिक्के चलाए जिस पर स्वयं की फोटो बिना बजाते हुए दर्शाई गई थी। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दमित्र के नाम से भी जाना जाता है। हमारे ऑप्शन था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर बात करें अशोक की, तो अशोक का संबंध कलिंग युद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। हमारे ऑप्शन रहेंगे बांसुरी, सितार, वीणा या फिर सरोद। तो इसका राइट आंसर रहेगा सितार। अमीर खुसरो को सितार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगर बात करें सितार की, तो सितार का इन्होंने आविष्कार किया था। और अगर संशोधित रूप की बात करें तो वीणा को इन्होंने संशोधित किया था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। हमारे ऑप्शन है 12, 24, 15 या फिर 18। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। हमारे ऑप्शन रहेंगे 1025, 1024, 1023 या फिर 1022। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1025। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। अगर बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो यह वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। महमूद गजनवी ने टोटल भारत पर 17 आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है। हमारे ऑप्शन है कलमण, जयदेव, गंगाधर या फिर कालिदास। तो इसका राइट आंसर रहेगा गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। कलहन की बात करें तो राग तिरंगणी जो पुस्तक है वो कलहन के द्वारा रचित है। कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाने जाते हैं। यह संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, पुस्तकों के नाम है इनके, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है और मालविका अग्निमित्रम है। और नेक्स्ट है इसके बाद, तुगलक नामा किसने लिखी है। हमारे ऑप्शन रहेंगे चंद्रदाई, फिरदौसी, अमीर खुसरो या फिर कनिष्क। तो इसका राइट आंसर रहेगा फिरदौसी। तुगलक नामा जो पुस्तक है वो फिरदौसी की रचना है। हमारे पास कनिष्क ऑप्शन में है। तो कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगर बात करें भारतीय कैलेंडर शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया। तो हमारे ऑप्शन है फिरोज शाह, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थानांतरित की। तो अगर बात करें कि कब स्थानांतरित की थी इसने, तो 1327 ईस्वी में स्थानांतरित की थी। और देवगिरी का जो दूसरा नाम रहेगा वो दौलताबाद रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा भी दी गई है।
और नेक्स्ट है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वो पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 साल की शुरुआत किसने की? हमारे ऑप्शन रहेंगे रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन या फिर मोहम्मद गौरी। तो इल्तुतमिश ने जो थी वो 40 साल की शुरुआत करवाई थी। रजिया सुल्तान की बात करें तो यह भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत में नौरोजा की शुरुआत किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन है अकबर, बलबन, बीरबल या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा नौरोजा की शुरुआत जो थी वो बलबन के द्वारा शुरू की थी। अगर बात करें हमारे पास चालीसा की तो बलबन ने चालीसा को समाप्त किया था और नौरोजा की भारत में शुरुआत की थी। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये था हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।